गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू गाइस? वीडियो वगैरह देखिए, स्मूद आ रही है आपको? कोई लैग तो नहीं लग रहा आपको वीडियो में? बताइए, इज माई वॉइस ऑडिबल? इज द वॉइस क्लियर एंड स्मूद? इजंट देयर एनी ग्लिच इन द वीडियोस? काइंडली कमेंट इन द चैट सेक्शन एंड टेल मी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग नेहा। अच्छा, ये अभिषेक पढ़ के आया क्या जो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में? क्लॉज पढ़ के आने के लिए आपको, जो मैंने अजम्पशंस पढ़ के आने के लिए बोला था, आप पढ़ के आए हो? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो जो अजम्पशंस यूज होती हैं वो पढ़ के आए हो आप अभिषेक? बताइए। तो समझ में आया आपको? समझ में आई अजम्पशंस क्या क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द अजम्पशंस यूज्ड? कुछ समझ में आया उनके बारे में? आपने रीड किया उसके बारे में डिटेल में कुछ पढ़ा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? तो पहले हम विल स्टार्ट विद द अजम्पशंस, ओके? सो आप अपनी कोडबुक भी खोल लीजिए साथ में। ये रही अजम्पशंस, ठीक है? एंड एक्सेप्ट बी व्हिच इज ऑन अ स्ट्रक्चरल डिजाइन यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सो द अजम्पशंस फॉर डिजाइन ऑफ मेंबर्स, ठीक है? द अजम्पशंस एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। तो आप ये चीज भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट ये अंडरस्टूड है क्योंकि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम अडॉप्ट करेंगे इसमें they will be within the elastic limit. So this method is based on elastic theory that is very much understood from the stress strain curves itself. So if you want to write it separately, then you can also write it down where you started with the working stress method. So you can write a simple point over there that this method is based on elastic theory. Okay? या फिर मैं आपको यहीं पे लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? The following assumptions should be made. What are the assumptions? The first assumption is at any cross section, plane section before bending remains plane after bending. तो
मैंने ये आपको अजम्पशन पहले भी एक बार समझाई थी, बट उस टाइम मैंने आपको मतलब मैं भी मुझे नहीं पता आपको समझ में आई भी कि नहीं आई उस टाइम पे, पर अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप एक बार मुझे एक्सप्लेन कीजिए इसका मतलब क्या है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। हेलो पवनीत, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए, हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था जस्ट। सो हमने ये अजम्पशन, आप अजम्पशन पढ़ के आए हो जो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में पढ़ के आने के लिए। और इफ यस देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट अजम्पशन, दैट इज दैट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेस सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अजम्पशन? वैसे तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था ये अजम्पशन के बारे में, और उस टाइम जैसे हमने, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में उस टाइम इस उसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने एडिशनली बता दिया था, तो मे बी आपको शायद उस टाइम इतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी आपको अगर आइडिया है तो बताइए क्या मतलब है इसका। बताइए अभिषेक, बताइए भवनीत। स्टार्ट करते हैं। अवनीत आप सही सोच रहे हो, बट आपका बताने का तरीका गलत है। आप जिस हिसाब से मुझे आपने बताया ना, मुझे जो लगा है, जितना मुझे आपकी स्टेटमेंट पढ़ के जो मुझे लगा है कि आप मे भी शायद आप सही डायरेक्शन में ही सोच रहे हो, बट द न्यूट्रल एक्सिस के साथ नॉर्मल ही रहता है आफ्टर बेंडिंग, दिस इज नॉट द राइट वे टू टेल इट एक्सप्लेन इट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट अजम्पशंस। अभिषेक नहीं, ये आपका गलत है। सो बिफोर अजम्पशंस लेट अस राइट दिस वन स्टेटमेंट दैट वी जस्ट सॉ, दैट मेक इट अ नोट पॉइंट, ऑल्दो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दैट विल बी यूज्ड इन दिस एनालिसिस, बट यू कैन मेक इट एज अ नोट बिकॉज इफ इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन आई डोंट वॉन्ट यू गाइड्स टू मिस इवन अ सिंगल मार्क्स इन विच एवर एग्जाम यू आर सिटिंग। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। ओके सो द फर्स्ट अजम्पशन दैट इज गिवन इन द आई एनेक्सर बी इज एट एनी सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। सो इसका मतलब क्या है ना, अब नाउ लेट अस टेक अ सेक्शन, लेट अस टेक अ बीम, विच इज सब्जेक्टेड टू लेट अस से यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ।
and due to this UDL, the deflected shape of the beam is as such. Now, let us first take two sections along this plane. This is section 1 and this is section 2. Currently, before bending, these two sections are plane sections. Okay. And after bending, the deflected shape of the beam will look something like this. After bending, the deflected shape of the beam will look something like this, and there will be a neutral axis in between, somewhere over here, something like this. So, ये हमारा neutral axis हो गया, and these two sections, if again taken on this deflected member, they would still be plane. So these two members are still plane, which implies that if with respect to neutral axis, if we take the initial position of this section, the initial position of this section was vertical, right? Absolutely vertical. So somewhat like this. It was before bending, it was something like this. So this assumption tells us that the distribution of strain is linear with the distance of the point from the neutral axis. That is, that as we move along the neutral axis, as we move away from the neutral axis, the strain increases linearly. These are the strains. So at this point, at neutral axis, there is no strain, right? Because the neutral axis neither gets elongated nor compressed. It is the line where each and every element on this line is subjected to neither tension nor compression. That is, it is unstressed. Okay? You can write, if you have any doubt over here, you can write along neutral axis. All the elements of the beam or flexural member, you can say, all the elements of the flexural member are neither stretched nor compressed. That is, they remain unstressed after bending. So is it clear? So as we go from neutral axis, the strains, these are the values of the strain at different points. So the maximum strain is at the extremest point. So this point is most compressed and this point is most stretched. Okay. So
the strain diagram is linear. So this assumptions make shows that strain diagram is linear. क्लियर हुआ? अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, इस यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आया? व्हाट डज प्लेन सेक्शन मींस प्लेन इंप्लाइज? बताइए, ये असम्पशन समझ में आ रही है आपको? अभिषेक आपको भी समझ में आ गई है क्या मतलब है इसका? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए, तो ठीक है। अब यहां पे आपको एक और चीज बता देता हूं फॉर नॉलेज, आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो एजम्पशन है ना, दिस इज वैलिड अप टू सम डायमेंशन ऑफ द मेंबर ओनली। If in case we are talking about D beams, now D beams are the beams which have very huge depths as compared to the length of the beams. So for that there are also ratios are also given, like length to depth ratio is somewhat in the range of 2 to 2.5. Okay, depending upon the type of the beam, whether it is simply supported, continuous. Okay, so you need not write this part what which I am explaining, just listen to it. Okay, and if you want to write also you can write, because anyways it is information only. So the D beams are the beams which have a very which have huge depth as compared to the length. Okay, so in such sections this assumptions does not stay valid, because due to shear in the flexural members warping takes place. Warping means if we take a cross section in a D beam, let us say this is a D beam, okay, and if we take a cross section along this D beam like this. Now if we draw the cross section of this D beam, and not need of cross section actually. So due after bending, this section may face warping. In after warping, due to warping, it might have a irregular surface somewhat like this, like this. Okay, there will be some warping in this section after bending, although some amount of warping is also there in these beams also. In normal beams also some amount of warping is still there, but that warping is neglected in these beams. Okay, so that is why while designing for the deep beams we also consider the warping stresses. Warping stresses are also taken into consideration. This is not in our syllabus, this part is not in the syllabus, this is a part of masters. You study about all these things when you do your masters in structure engineering. So although I just wanted to tell you that what is the limitation to this assumption. Okay, you should know that up to what point this assumption is valid. Is it clear? So these warping stresses
are neglected in these members, in flexural members, although some amount of warping is also seen in these members also, but it is very negligible. Is it clear? So let us moving on to the second assumption. So the second assumption is, what does the second assumption say? The second assumption says that, okay, do one, make this. Before starting with the second assumption, just write this one point, which I've already explained, meaning. Strain diagram is linear. Strain values are proportional to the distance of the point, distance of the point from neutral axis, from the neutral axis. So before bending, the section is like this. After bending, the section becomes like this. So this is the point where neutral axis lies. So this is the distribution of strain or strain diagram. This is before bending. And this is after bending. And strains are increasing linearly as we move away from the neutral axis. These are the above region is, this above region is compressive strain. This above region is compressive strain. Okay, that is, and the below region is tensile strain. Okay, is it clear? So you can write it if you want to write it. This is tensile strain. Or you can say stretching is taking place in this, in this area. And the above region is compressive strain. That is compression of elements taking place in this area. Okay,
क्लियर है ये? आपको बताया था कल भी मैंने कि जो टॉप रीजन में कंप्रेशन और बॉटम रीजन में टेंशन क्या करके रहा है, उसका वो क्यों प्रोड्यूस क्यों हो रहे हो, व्हाट इज द रीजन व्हाई दो स्ट्रेसेस आर कमिंग, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना परसों वाले लेक्चर में। बताइए अगर आपको याद है कि व्हाई आर द टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। बताइए अगर आपको याद है, ना हमने बनाई थी ना कल एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई थी इस तरीके से। कल हमने एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई थी जिसमें बॉटम एरिया में स्टील था और टॉप में कंक्रीट था जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दे रहा था लाइक दिस। दिस वॉज सी एंड दिस इज टी बाई एम। तो आई टोल्ड यू वाई दिस स्ट्रेसेस आर बींग डेवलप्ड, वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस स्ट्रेसेस, वाई आर दिस डेवलप्ड, बताइए अगर आपको मालूम है तो। दीपक इज एब्सेंट एब्सेंट। बताइए पवनीत, बताइए अभिषेक। ड्यू टू सैगिंग मूवमेंट, हाँ वो तो सैगिंग मूवमेंट के कारण ऊपर कंप्रेशन आता है नीचे टेंशन आता है, वो तो ठीक है। मैंने पूछा था आपको कि ये इनका पर्पस क्या है, ये कंप्रेशन और टेंशन क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे बीइंग, ये कंप्रेशन ऊपर कंप्रेशन में आ गया नीचे टेंशन आ गया, इससे व्हाट इज द इट रेजिस्टिंग, क्या जनरेट क्या कर रहे हैं ये। मैंने आपको हिंट्स भी दे रहा हूं मैं अभी आपको, व्हाट इज इट जनरेटिंग, वो तो आपने सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट तो इसलिए बताया ना, ड्यू टू सैगिंग के कारण क्या होगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे टेंशन आएगा, और हॉगिंग के केस में ऊपर टेंशन आएगा और नीचे कंप्रेशन आएगा, राइट। आपने ये पूछा बताया ना मुझे कि कंप्रेशन टेंशन किसके लिए क्यों आ रहा है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट के कारण, वो तो ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, ये कपल जनरेट कर रहा है, बिल्कुल सही पवनीत। तो ये कपल जनरेट कर रहा है, जो इस सेक्शन पे जितना मूवमेंट आ रहा होगा, वॉट एवर विल बी द मूवमेंट ऑन दिस सेक्शन, इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दैट मूवमेंट दिस फोर्सेस आर जनरेटिंग अ कपल, ओके, एंड दिस कपल इज रेजिस्टिंग द एक्सटर्नल अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट, वेरी गुड। ये इतनी क्लैरिटी बहुत मुश्किल से आती है बच्चों को, ठीक है, जितनी क्लैरिटी आपको अभी आ रही है ना ये लेक्चर लेते हो, बहुत मुश्किल से आती है बच्चों को क्लैरिटी, समझ नहीं पाते हैं यार ये ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन क्यों आ रहा है, ठीक है। उनको बस इतना मालूम होता है कि ऊपर ऊपर के जो लेंथ हो रही है, ये जो ऊपर की जो ऊपर का जो एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर है ये लेंथ में छोटा हो रहा है और नीचे का लॉन्गेट हो रहा है, तो उसके कारण ऊपर का कंप्रेशन हो गया नीचे का टेंशन हो गया, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता होता यार। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो कंप्रेशन टेंशन फोर्सेस हो रहे हैं ये कपल जनरेट करके एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट को इक्वेट करते हैं, और उससे ये जो मेंबर है ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये स्टोरी पता होनी चाहिए यार आप सब लोगों को, क्या हो रहा क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप अगर बढ़िया से ऐसे रिवाइज करते रहोगे ना यार, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस सब्जेक्ट में, कोई भी आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा ना यार, अगर आप बेसिक से इतने बेसिक क्लियर करके चलोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, कोई इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और सोच के अगर आप सोल्यूशन निकाल ही लोगे उस प्रॉब्लम का भी,
ठीक है, अगर आप इतने बेसिक से लेके चलोगे चीजों को, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने भी, ठीक है। अब सेकंड उस पे चलते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या कहती है? ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर केप्ट आर टेकन अप टू अप बाय द रीइंफोर्समेंट, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द रीइंफोर्समेंट एंड नन बाय कंक्रीट एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड, ठीक है। नाउ अब क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इफ द स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम मोस्ट टेंशन फाइबर इज मोर देन द मॉडुलस ऑफ रप्चर देन वी नेग्लेक्ट द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द होल टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय द स्टील ओनली। आपको लास्ट के लेक्चर में आपको मैंने बताया भी था, है ना, वही चीज यहाँ पे इन्होंने अजम्पशन में लिखी है, वही चीज दैट ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय रीइंफोर्समेंट एंड नन बाय कंक्रीट एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड, ठीक है। अगर हमने कंक्रीट को टेंशन जोन में नेग्लेक्ट किया है तो उस सेक्शन को क्या कहते हैं, बताइए मुझे, व्हाट इज दैट सेक्शन कॉल्ड? इफ द कंक्रीट सेक्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड, व्हाट इज दैट सेक्शन कॉल्ड, बताइए। बताइए व्हाट इज दैट सेक्शन कॉल्ड? बिल्कुल सही अभिषेक, क्रैक सेक्शन बोलेंगे उसको। पवनीत, इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन तो यार जब हमने ट्रांसफॉर्म किया था स्टील को कंक्रीट के टर्म्स में और उसके बाद जो हमें कंक्रीट की टर्म्स में पूरा सेक्शन मिला था उसको बोलते थे इक्विवेलेंट सेक्शन। वो जो हमने नेग्लेक्ट किया कंक्रीट को टेंशन जोन में उसको क्रैक सेक्शन बोलते हैं। In cracked section, we neglect the area of concrete and in tension zone, ठीक है? तो एक बार लिख लेते हैं ये चीजें, आपको आपको पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है? पवनीत, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? Let us write it down. All the tensile stresses are taken by steel only and none by concrete। एक एक चीज आपके लिए आपके सामने ना आपको मैं दो दो तीन तीन बार जगह जगह पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना आए। इसीलिए मैं एक एक कई बहुत जो अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके रिपीट भी हो जाते हैं, मैं दो तीन बार एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हेन स्ट्रेसेस, क्योंकि इन्हीं यही जो होते हैं यही जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं, उनके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हो पाते, इसलिए मैं बेसिक्स पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ। एक बार जब ये एक बार मैंने बेसिक्स कर दिया ना उसके बाद भी मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट की स्पीड बहुत इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे आपको उस टाइम अच्छे से आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी स्पीड से मैच करने में क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो रखे होंगे उस टाइम तक, ठीक है। द स्ट्रेस इज इन कॉन्क्रीट बिकम्स मोर देन फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और मॉडुलस ऑफ रप्चर।
that is FCFT. FT is the maximum tensile strength which is encountered in the flexural member if it is greater than FCR, which is equal to 0.7 under root FCK. So then such section is designed as a crack section, that is concrete section will crack and in this case concrete area is completely neglected in tension zone. ठीक है, क्लियर? दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रैक सेक्शन थ्योरी. नाउ दिस इज कॉल्ड थ्योरी बिकॉज ये किसी भी एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर की एक थ्योरी है कि उसने बोला हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट. वी आर नेग्लेक्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट द कंक्रीट हैज, इवन दो इफ इट इज नॉट वेरी ह्यूज वेरी लार्ज बट स्टिल इट इज सम स्ट्रेंथ दैट ऑफ कंक्रीट विच यू आर नेग्लेक्टिंग इन डिजाइन. सो वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मेकिंग आवर डिजाइन मोर कंजर्वेटिव so that we have a factor of safety in our design, so that in some case if the tensile stresses go beyond the design stresses also, we have not considered the full strength of the concrete. The concrete will be able to take some stresses beyond the design stresses up to some extent. Clear hai? And all tensile stress, all tensile stresses are taken by steel only. ठीक है, यहां पे एक नोट पॉइंट लिख लो. कॉन्क्रीट नीड नॉट टू बी नेग्लेक्टेड इन टेंशन जोन इफ maximum tensile stress in concrete is maximum tensile stress in concrete is not more than FCR. ठीक है, ये कह रहा है अगर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो कंक्रीट में होगा अगर वो मॉडुलस ऑफ रप्चर से कम भी होगा तो हमें तो कंक्रीट जो होगा जो एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर पे होगा वो क्रैक नहीं करेगा, और अगर वो क्रैक नहीं करेगा तो हमें कंक्रीट को जो टेंशन जोन में वो नेग्लेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है. तो इस टाइप के सेक्शन को हम बोलते हैं अनक्रैक्ड सेक्शन, और जो इस टाइप के डिजाइन को बोलते हैं अनक्रैक्ड सेक्शन थ्योरी से डिजाइन होते हैं. ठीक है, in such cases concrete area in the tension zone
तो लिख लिया ना ऑलरेडी पॉइंट. इन सच केसेस टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट अलोंग विद स्टील इज कंसिडर्ड. Known as uncracked section. समझ में आ गया? बताइए, एक्सप्लेन करो इसमें से कुछ, या इसमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे? बताइए बताइए, यहां तक कोई भी पॉइंट रिपीट करूं? नोट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बताइए, नहीं तो अगले अजम्पशन पे प्रोसीड करेंगे. बताइए अभिषेक, प्रवनीत, चलिए अब थर्ड अजम्पशन बताओ क्या कहता. थर्ड अजम्पशन व्हाट डज इट से? थर्ड अजम्पशन बोलता है द स्ट्रेस्ड इन रिलेशनशिप ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड्स. Under working loads is a straight line. So he is saying that the stress strain relation of the steel and concrete is a straight line that is within the elastic range. वो हम देख ही चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि stress strain relationship मैंने दोनों बना के आपको बता चुका हूँ कि जो working stress method में जो हम values लेते हैं they lie within the straight line only. Already explained किया हुआ, right आपको? तो फटाफट देख लेते हैं ये. मुझे लगता नहीं आपको इसमें से कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो लिख लो ये फटाफट. स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कॉन्क्रीट विद इन विद इन वर्किंग स्ट्रेसेस वर्किंग लोड्स आर लीनियर that is straight line and the linear part of the stress strain curve of the steel and concrete is also elastic also. Okay, so we'll quickly draw the stress strain diagrams. agar aapko kuch bhi doubt aata hai to pooch lena, koi dikkat nahi hai. This is the stress strain diagram of steel, let us say Fe415. ठीक है, और 0.2% proof strain value पे हम proof stress value को हम yield stress लेते हैं. ठीक है, and this is equal to 0.002 strain and the sigma st value is how much for 415 steel? It is 230 mega pascal.
sigma st, which is used for the designing of working stress using working stress method. In working stress method, the tensile strength of the steel is taken as 230 megapascal of Fe41 by steel. So this is within the elastic range, that is, this is a straight line. Okay, and similarly for concrete also. Stress versus strain curve of concrete. So this maximum stress value is how much? FCK. At, so it is straight after this point up to 0.002 strain. It is parabolic and it goes to a maximum of 0.0035 strain. Okay, the strain value, and the value that is considered for the design in working stress method is equivalent to CBC. Okay, this is sigma CBC, which is almost, we saw that it is equivalent to FCK by 3, but the values use karni hai, that the values shall be taken from the table 22, no, table 21. Although the values of sigma CBC are given in table 21, but they are almost equal to FCK by 3, but the values you have to consider is from the table 21, and this is also a straight line. Okay. So which implies stress strain diagram in working stress method is always straight line. ठीक है? Now, इसमें कोई डाउट है इस assumption में बताइए. बताइए इसमें कोई भी डाउट हो तो. चलिए, now coming to the fourth assumption. Fourth assumption क्या है? पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलर रेशियो के बारे में भी देखा था. What is मॉडुलर रेशियो? ठीक है, उसी पे ही है. Fourth assumption, the मॉडुलर रेशियो M has the value of 280 upon 3 sigma CBC. Where sigma CBC is permissible compressive stress due to bending in concrete in Newton per mm square as specified in the table 21. Now there is a note given below that the expression given for M partially takes into account of the long term effects such as creep. I told you yesterday also
that the values of m specified in the code takes partial effect of the creep. So it is given over here also. Okay. Therefore, this m is not the same as the modular ratio derived based on the value of EC. That is the long-term modulus of elasticity of concrete. So this area I have already explained. So nothing to explain over here. We'll simply write it down. Okay. So the fourth assumption is on the modular ratio, where modular ratio m is equal to 280 upon 3 sigma CBC. I'm sorry guys, there is an electricity cut. Just wait for a second. There will be a little lag in the video, but we'll connect back to it soon. Chaliye. So, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ज्यादा आपको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। So now let us start with the analysis of the singly reinforced section. Now we are done with the assumptions, and now we'll start with the analysis. So so the analysis, in the analysis of singly reinforced section, the first thing that we are going to discuss about is depth of the neutral axis or actual depth of neutral axis. Okay, so over here we will do the analysis on a cracked section, considering let us take a cross section of a beam.
having a width of B and a depth of overall depth of capital D. Now, in this cross section, along this cross section, four bars are provided. Four reinforcement bars are provided, having a total area of AST. Now, depth of the cross section, depth of the section up to the reinforcement bar is known as the effective depth. Up to this point, up to the reinforcements, up to the reinforcements, this depth is referred as effective depth and it is represented by small d. Okay. And what is this cover? Tell me. ये जो कवर है इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कवर बोलेंगे? ये जो कवर की वैल्यू है, ये जो भी हमें कवर मिलेगा, ये कौन सा कवर मिलेगा हमें? नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, कौन सा कवर है ये बताइए? बताइए अभिषेक, बताइए पवनी, कौन सा कवर बताएंगे इसको? वेरी गुड, इफेक्टिव कवर होगा ये, राइट। तो ये लिखेंगे नहीं यहां पे, बस मैंने ऐसे पूछ लिया। एंड लेट अस से वी गॉट अ centroidal axis, the actual depth of neutral axis is nothing, we take this, we calculate the depth of the centroidal axis only. Okay, I'll tell you what is it and how is it done. So let us say the neutral axis lies somewhere over here. This is the neutral axis and this is the CG of the section. Now, since it is a cracked section, the concrete area only in the compression is considered. And let us say this depth of the neutral axis is XA, that is actual depth of neutral axis. Okay. Now, first of all, we will draw the equivalent concrete section. Okay. That is transformed into the area of concrete. Now, let us draw the equivalent concrete section. So the concrete in the tension zone will be neglected. And in the tension zone, an equivalent area of steel will be provided. Now this dimension we know is XA. This is the width of the beam and the depth of
reinforcement from the top fiber of the beam is how much? Is small d, that is effective depth. Okay, so this is the transformed section, and this area of this concrete in the tension will be equal to M times AST, right? So now I think this there shouldn't be any doubt in this diagram. Okay, now in WSM, in order to find the actual depth of the neutral axis in WSM, we always equate movement of area on two sides of neutral axis. That is, by equating the movement of area on the both the sides of the neutral axis, we calculate the depth of the centroidal axis, and that centroidal axis is assumed to be the neutral axis of the section. Okay, in working stress method theory, the neutral axis is assumed to be the centroidal axis, where the movement of area of the cracked section is equated. Is it clear? Let us see. Now we let us equate the movement of area in both the tension and the compression zone. So what is the movement of area in the tension zone? That is area into lever arm. The area of the area in the compression zone is how much? B into XA. So area is how much? B into XA, and lever arm is how much? From the neutral axis. It's CG. The CG of the above area will lie at the center, and this depth will be how much? XA by 2. So lever arm will be XA by 2. So movement of area in the compression zone will be, movement of area will be how much? B into XA by 2. And similarly on the tension zone will be how much? In tension zone area is how much? M times AST. So, and lever arm is how much? What is this lever arm value? So lever arm is how much? D minus XA. Is it clear? So lever arm is D minus XA. So movement of area will be how much? M times AST into D minus XA. So after equating the movement of area on both the sides, the expression that we'll get will be B times XA square by 2 is equal to M times AST into D minus XA. Now, substituting all the values in this equation, after substituting all the values in this equation, we can find out the value of XA. Okay? This is the equation to find out the actual depth of neutral axis. So, is there any doubt in this, that how we are calculating the actual depth of neutral axis? From this, find XA. We have got a quadratic equation over here. After solving this quadratic equation, we will get the value of XA. कोई डाउट है यहां तक बताइए. बताइए अभिषेक अवनीत, इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ?
अब सेकंड चीज हम इसके बाद देखेंगे ना, दैट इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। द सेकंड थिंग, द सेकंड टर्म दैट हैज टू बी एनालाइज्ड इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज दैट डेप्थ एट विच इफ द सेक्शन इज प्रेस्ड बोथ द कॉन्क्रीट एंड द स्टील विल फेल साइमल्टेनियसली। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उस डेप्थ को बोलते हैं अगर कोई एक सेक्शन है हैविंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हैविंग इक्विवेलेंट टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या होगा? जो सेक्शन का फेलियर होगा ना, कंक्रीट और स्टील का साइमल्टेनियस फेलियर होगा, दोनों एक साथ फेल कर जाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसे हो रहा है ये, पर एक बार के लिए आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि दोनों कंक्रीट और स्टील एक साथ फेल कर रहे हैं इस डेप्थ पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, बोथ रीच द फेलियर स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली। सो लेट अस फर्स्ट एनालाइज, नाउ लेट अस से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो वी विल रिप्रेजेंट दिस बाय एक्ससी। दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ एंड देयर आर स्टील रिइंफोर्समेंट्स एट द बॉटम फाइबर्स having an area of AST, okay. Now what will happen is if we draw the stress diagram of this beam, okay, if we draw the stress diagram the top fibers of the concrete above the neutral axis will be under compression and in the bottom fibers the concrete will be neglected. Let us we are again considering a cracked section only. Until and unless specified, I will take the analysis on a cracked section only. Okay, so we will be talking about the cracked section everywhere. Where and if it is the uncracked section, I will tell you specifically over there. And at the point of steel, in the place of steel, there will be a tensile stress over here. Now, if the depth of the neutral axis is equivalent to the critical depth of the neutral axis, then the maximum stress in the concrete will be equivalent to sigma CBC, which is the compressive strength of the concrete under flexure, and the maximum stress in the steel will be equivalent to sigma ST. Now, since we are drawing the stress strain diagram, since we are drawing the stress diagram in terms of concrete, we have to convert the stress diagram stresses in the steel in terms of concrete only, which is done by dividing by the modular ratio. So why we are able to do this? We saw it because of the strain compatibility. So now we have drawn this diagram in terms of concrete, and this value also comes in under the linear range only. So this is
this value is also can be found out using the linearity of the stresses. Okay, and this total depth is how much? Depth of the reinforcement is at small d. So this length will be how much? D minus xc. Okay. Now if we equate these two triangles from equivalent triangles, these two triangles will be equivalent triangles. The above triangle, this above triangle and the bottom triangle will be equivalent triangle. So from the equivalent triangle theory, we can write that. Tell me if you have any doubt in this. Sigma CBC divided by XC is equal to sigma ST by M divided by D minus XC. बताइए यहाँ इसमें कोई डाउट है आपको? बताइए. From similar triangles. बताइए. ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन समझ में आएगी ना? अब फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे तो हो नहीं अगर आपको मैं ऐसे ट्राइंगल लेके बताऊं, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी आर सिमिलर ट्राइंगल्स, देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, ऐसे करके बताने की जरूरत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है. तो नाउ लेट अस राइट इन टर्म्स ऑफ, let us is we all already saw sigma CBC is equal to C, we will represent as sigma CBC is equal to C, and sigma ST we will work in C and T only. Achha. आपको यहां पे confusion आ रही है ना कि divide क्यों किया? ठीक है, अब जो stresses in steel कितने हैं बताइए? What is the maximum stress in steel when the depth of the neutral axis is equivalent to the critical depth of neutral axis? It is sigma ST. And maximum stress in concrete कितना है? जो extreme most fiber पे होगा कितना होगा? Sigma CBC. Right? अब maximum stress in concrete under compression sigma CBC, और tension में जो steel ले रहा है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जब वो फेलियर पे होगा तो सिग्मा एसटी होगा. नाउ व्हेन वी आर एनालाइजिंग दिस सेक्शन, वी आर एनालाइजिंग इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ओनली. ओके, नाउ वी हैव कन्वर्टेड द कंक्रीट इनटू द, वी हैव कन्वर्टिंग द एरिया ऑफ स्टील इनटू इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट ओवर हियर, राइट? ये हमारा इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया, राइट? बट हमें ये पता है कि टोटल एरिया, टोटल जो हमारा लोड होगा, टोटल टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा स्ट्रेस इनटू एरिया सिग्मा एसटी इनटू एएसटी, राइट? यही है ना हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स. अब हमने यहां पे स्टील को इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में तो कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब जब हम इसकी एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने पिछली क्लास में सब एक साथ ड्रॉ किया था, वहीं पे चल लेते हैं. ये देखो, हाँ, सो वी हैव कन्वर्टेड ओवर हियर, इम्प्रूव हो रही है ना डायग्राम्स मेरी धीरे धीरे, काफी फर्क है आज की क्लास और कल की क्लास में, बहुत डिफरेंस आ गया. चलो बढ़िया, आपके लिए अच्छा है, आपको ही अच्छा समझ में आ रहा होगा. सो
यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंक्रीट को, हमने ये सेक्शन को, क्रैक सेक्शन जो था हमारा, उसको हमने इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। हमें मालूम है कि जो टेंशन फोर्स है, जो टोटल टेंशन फोर्स है, दैट इज इक्वल टू AST टाइम्स सिग्मा ST के बराबर। टोटल जो टेंसाइल फोर्स है वो किसके बराबर है, AST टाइम्स सिग्मा ST के बराबर, राइट। तो अब यहाँ पे जब हमने कंक्रीट एरिया को तो कन्वर्ट कर दिया हमने इक्विवेलेंट एरिया की M टाइम्स AST के बराबर, तो हमें स्टील को भी, तो जब स्ट्रेस डायग्राम इन स्टील बनाएंगे तो उसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कंक्रीट में, विच इज सिग्मा ST टाइम्स M। तो MM कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया, सिग्मा ST टाइम्स AST। ये हमने पिछली क्लास में समझा भी था कि ये रिलेशनशिप कैसे पॉसिबल हो पाया। हमने ये रहा, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था, स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू एम टाइम्स स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे हमने यहाँ पे समझा था कि जब ये मेंबर है, जब इस पे टेंसाइल फोर्स आता है, तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे स्टील के आसपास होते हैं, डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होगी, स्ट्रेंथ दोनों में सेम होगा, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी होगी स्टील और कंक्रीट में एट दिस लोकेशन। तो उसके कारण क्या होगा, जो कंक्रीट में और स्टील में स्ट्रेसेस होगा उसमें भी कंपैटिबिलिटी होगा, और स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी से हमें क्या रिलेशन मिला था, ये वाला रिलेशन मिला था, ये वाला रिलेशन मिला था T इज इक्वल टू एम टाइम सी। तो उसी स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी से हमने यहाँ पे, हमें पता लग गया कि जो कंक्रीट की टर्म्स में, जब हम कंक्रीट की टर्म्स में भी इस एरिया ऑफ कंक्रीट को, जब इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में स्ट्रेसेस कितना होगा, T टाइम्स एम होगा। तो जो ये इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है, इसमें स्ट्रेसेस कितने होंगे, सिग्मा ST बाय एम के इक्विवेलेंट होंगे। ये हमारा सिग्मा सी है इन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। बताइए, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बताइए, मैं फिर और कोशिश करूंगा। पवनीत, क्लियर हुआ क्या अभी आपको, क्या मॉडुलर रेशियो से डिवाइड क्यों किया, कि हमने उसको कंक्रीट की टर्म्स में स्ट्रेसेस को लेके आ गए। टोटल टेंसाइल फोर्स वही रह रही है सेम, विच इज इक्वल टू सिग्मा ST बाय एम। ये स्टील की टर्म्स में है और ये कंक्रीट की टर्म्स में है, मतलब है एम टाइम्स AST एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। बताइए, क्लियर है। चलिए ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन, विल राइट इट एज सी टाइम्स सी बाय एक्सी इज इक्वल टू टी बाय एम डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्सी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, सो डी माइनस एक्सी बाय एक्सी इज इक्वल टू टी अपॉन एम सी। सो डी बाय एक्सी माइनस वन इज इक्वल टू टी बाय एम सी। सो डी बाय एक्सी इज इक्वल टू टी बाय टी प्लस एम सी अपॉन एम सी। सो एक्सी विल बी इज इक्वल टू एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी। सो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी इक्वल टू एम सी अपॉन
टी प्लस एम सी इंटू बी। अवनीत अगर आपको अभी भी यहाँ पे कुछ डाउट रह गया है ना तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज हम बार बार हमारे पास आती रहेगी, हम ये बार बार यूज करते रहेंगे इस टेस्ट डायग्राम को। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन आएगी, अगर बार बार के सर आपने यहाँ पे टी बाय एम क्यू लिख दिया, आपने ये इसलिए लिखा, आपको समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई ना अभी आपको अवनीत? एब्सोल्युटली इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? अभी भी कोई डाउट बाकी रह गया है? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी आपका शायद क्लियर नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लिया तो आगे प्रोसीड करें। ठीक है, नाउ वी नो द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिटन ऑल्सो रिटन एज नाउ एक्सी इज इक्वल टू एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू D. So this can also be written as K D, where K is called as critical depth factor. Critical neutral axis depth factor. Okay. Now we know M is equal to 280. Upon 3 sigma CBC can also be written as 280 upon 3 times C. So यहाँ से MC कितने बराबर, किसके बराबर आ गया? MC is equal to 280 by 3, which is equal to 93.33 के बराबर आ जाएगा। तो ये equation किसके बराबर आ जाएगी? XC will come equal to 93.33 divided by T plus 93.33 into D. तो अब मुझे फटाफट बता दीजिए कैलकुलेट करके, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K? ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए मुझे, स्टील ग्रेड ऑफ स्टील टी वैल्यू, उसको लिख देता हूं एक बार, सिग्मा एस टी भी लिख देता हूं ब्रैकेट्स में, अगर आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो आ भी रही हो अगर, ये रहने दूं तो छोड़ो, आप सिर्फ सिग्मा एस टी लिखो, सिग्मा एस टी छोड़ ही दो। ठीक है, और यहां पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ के, फॉर एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500। बताइए पहले तो टी की वैल्यू बताओ क्या लोगे आप? तो डाया को अपन लेस देन 20 एमएम अज्यूम करेंगे, तो डाया लेस देन 20 एमएम, टी की वैल्यू बताओ तीनों के लिए कितनी होगी, सीरियल ऑर्डर में बता दो। ठीक है, 140 और K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0.4।
एफ ई 4.5 के लिए बिल्कुल सही 230 और 0.289 और 500 275 और 0.253, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टील दे रखा है Fe 415 Xe इज इक्वल टू 0.289 टाइम्स डी विच इज के डी, राइट। यहां से एक चीज क्लियर हो गई आपकी के क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील एंड द डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। सो write a note point Xe is independent of grade of concrete and shape of cross section. ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आप लिख लोगे। नाउ दिस वैल्यू ऑफ Xe इज यूज्ड टू चेक whether the given section is what type of sections. So before seeing that, we'll see what are the different types of the sections that we have. Okay. What are the different types of the sections? Now, पहले तो ये एक बड़ी सिंपल सा देख लेते हैं चीज, ठीक है। सपोज ये हमारी एक बीम है, ठीक है, एंड दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट। And this UDL is gradually increased. For example, initially at time t is equal to 0, it is 10 kilonewton per meter. Then at time t is equal to 1, it becomes 15 kilonewton per meter. At time t is equal to 2, it becomes 20 kilonewton per meter. So, what I mean to say is that I am increasing the UDL with the time, it is slowly increasing. So if we take a section, particular section along this beam, so if I take a section over here, now in this section the bending moments will also keep on increasing,
as the load is increased, right? So as the load is increased, the bending moment is also simultaneously increasing. So, and as the bending moment is increasing, the couple generated in order to resist the bending moment will also keep on increasing to keep the section in equilibrium. And if the couple is increasing, the stresses that are causing the couple will also keep on increasing. Right? समझ में आया आपको? एक बार शॉर्ट में समरी में स्टोरी समझ में आ गई आपको? तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस हमारी, ठीक है, इफ दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, ओके, नाउ दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, डॉटेड लाइन बना दी भाई। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया, अब यहां पे हमने एक स्टील रिइंफोर्समेंट भी दे देते हैं, चलिए लेट अस प्रोवाइड दिस सेक्शन विद स्टील रिइंफोर्समेंट आल्सो। Now, what will happen is the concrete above this neutral axis will be under compression. Okay. And below this, this steel will be under tension. Okay. And as this bending moment is increasing, this value also keeps on increasing, right? It will come like this. Suppose then if the bending moment is further increased, it will come like this. ठीक है, समझ में आ गया? और similarly steel में भी it will then increase like this. If it is further increased, then it will increase like this in order to increase the resisting couple. ठीक है, अब जैसे जैसे ये increase हो रहा है, there will reach a time when either the concrete or the steel or both, ठीक है, या तो concrete या फिर steel या दोनों एक साथ maximum अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे, व्हेन ईदर द कंक्रीट और स्टील और बोथ साइमल्टेनियसली विल अचीव द स्ट्रेंथ, और जब वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे तब उनमें से कोई भी जब जैसी एक फेल हो गया तो सेक्शन का मैक्सिमम मूवमेंट हमें पता लग जाएगा। अब सपोज हमने ये इंक्रीज करते गए, ये इंक्रीज करते गए, मूवमेंट इंक्रीज करते गए और पता लगा 20 किलोमीटर पर मीटर में जाके जो स्टील था, स्टील हैज रीच इट्स मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो एट दैट पॉइंट वी विल से दैट द कंक्रीट हैज फेल्ड ड्यू टू द स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ स्टील। एक तो ये केस बन गया, ठीक है, वन फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जब जैसे मूवमेंट 20 किलोमीटर मीटर पे पहुंचा तो क्या हुआ, कंक्रीट में कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेसेस अचीव कर लिया कंक्रीट ने, ये कंक्रीट में स्ट्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंक्रीट में स्ट्रेसेस मैक्सिमम अचीव हो गए। सो इफ एट 20 किलोमीटर कंक्रीट रीचेस इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, देन बियॉन्ड दैट पॉइंट कंक्रीट विल फेल, हेंस द देन वी विल नो द मैक्सिमम मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सेक्शन बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कंक्रीट।
और थर्ड केस क्या होगा कि व्हेन इट रीचेस 20 किलोमीटर मीटर बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रीच द अल्टीमेट स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली एंड व्हेन दे विल रीच साइमल्टेनियसली द फेलियर ऑफ द सेक्शन इज गवर्न्ड बाय बोथ कंक्रीट एंड स्टील साइमल्टेनियसली। तो ये तीन केस हो गए, ठीक है? समझ में आया आपको? अभी एक शॉर्ट स्टोरी समझ में आ गई? एक बार बताइए, शॉर्ट स्टोरी समझ में आई? चलो और अच्छे से क्लियरली सब देखते हैं, ठीक है? तो केस वन, पहला केस, केस वन में, केस वन इज अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स एक्शन क्या हो गया? अंडर रिइंफोर्स्ड मतलब से ही पता लग रहा है कि रिइंफोर्समेंट जो है इट इज प्रोवाइडेड लेसर देन द रिक्वायर्ड, और ये रिइंफोर्समेंट में कुछ कमी है। अंडर रिइंफोर्स से इतना तो पता लग रहा है कि रिइंफोर्समेंट में कुछ कमी है ना? तो इस सेक्शन में क्या होता है ना, दैट द फेलियर ऑफ द सेक्शन इज गवर्न्ड बाय द स्टील रिइंफोर्समेंट, द स्टील रिचेज द फेलियर स्ट्रेस लेवल प्रायर टू कंक्रीट, कि स्टील में फेलियर स्ट्रेस लेवल पहले पहुंच जाते हैं कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो इस सेक्शन में क्या होता है ना, पहले आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है? नाउ सच सेक्शन, इन सच सेक्शन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? एक्स इज लेस देन एक्स सी, दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पे एक लिखी लो आप पॉइंट ए के ऊपर ना, यहां पे लिख दीजिए, ठीक है? एक पॉइंट लिख लीजिए, एक्सी इज यूज्ड टू कंपेयर, एक्सी इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बीम, ठीक है? ये आप एक पॉइंट लिख लीजिए। ये क्या करते हैं ना, जब पहले तो हम कोई भी हम क्वेश्चन दिया होगा, जैसे अगर कोई भी सेक्शन है दिया हुआ है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर दैट सेक्शन, ओके? आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वी विल कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड वंस वी नो द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वी विल कंपेयर द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड आफ्टर कंपेरिजन वी विल नो वॉट टाइप ऑफ द सेक्शन द गिवन सेक्शन इज। इफ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देन द सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। What is under reinforced section? I will explain you. But this value of xc is used to compare whether the given section is a
व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन. ओके, सो आप ये लिख लीजिए दैट अंडर इन्फो सेक्शन इन दिस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. अब ये देखिए, अब आपको समझाता हूं, ठीक है. अब क्या हो रहा है इस सेक्शन में, ठीक है, आप देखते हैं. ये हमारा सेक्शन है एंड दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है. एंड नाउ विल ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम. नाउ वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड स्टील रिइंफोर्समेंट्स. ठीक है, एंड द कॉन्क्रीट एरिया ओनली इन द कंप्रेशन जोन इज कंसिडर्ड एंड इन द टेंशन जोन इज निग्लेक्टेड. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट. इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट, सो फॉर क्या किया, पहले तो क्या हुआ, हमने मूवमेंट कैसे इंक्रीज किया था, 10 किलोन्यूटन पर मीटर पहले लोड था, फिर उसके बाद 15 किलोन्यूटन पर मीटर लोड हो गया, फिर उसके बाद 20 किलोन्यूटन पर मीटर लोड हो गया, और 20 किलोन्यूटन पर मीटर लोड पे ये सेक्शन फेल कर गया, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आई है, दिस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस is less than the critical depth of neutral axis. And this is the critical depth of neutral axis. ठीक है. नाउ ओवर हियर दिस एक्स इज लेस देन एक्स सी. ठीक है, अब इसकी स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं फॉर 10 किलोन्यूटन पर मीटर लोड. अब 10 किलोन्यूटन मीटर लोड में क्या हुआ, जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस आए, लेट अस से यार CA1, ठीक है, ये स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जब 10 किलोन्यूटन मीटर लोड था, और सिमिलरली द स्ट्रेसेस इन स्टील विल बी हाउ मच, इस पॉइंट पे होगा स्टील में, ठीक है, दिस वैल्यू. And this will be equivalent to TA1/M. ठीक है, जब 10 किलोन्यूटन पर मीटर लोड था. फिर जब हम इसको 10 से लेके गए 15 पे, 10 से लेके गए जब 15 पे, तब इसमें से थोड़े से और स्ट्रेसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, और इंक्रीज होके ये पहुंच गया ये वैल्यू पे, विच इज इक्वल टू CA2. और स्टील में क्या हो गया, स्टील में हो गया ये TA2/M के बराबर, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि कौन सी वैल्यू CA और TA में से कौन सी वैल्यू ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही होगी,
which value will be increasing at a much higher rate, CA or TA? Which value will increase at a higher rate, CA or TA? जब हमने 10 से 15 पे लेके गए, कौन सा हायर रेट पे इंक्रीज हो रहा होगा? TA. अभिषेक, आपके हिसाब से? CA. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा एट अ हायर रेट इंक्रीज हो रहा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है ये। चलिए पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, ये पेंसिल ली है। ये हमारा जो मेरा ये पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने पकड़ा हुआ है। तो पहले तो ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, क्रिटिकल डेप्थ पे पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। अब क्रिटिकल डेप्थ पे जब मैंने पकड़ा हुआ है, अब मैं इसको रोटेट करूंगा। ऐसे रोटेट किया, पहले ये स्ट्रेट सेक्शन था बिफोर बेंडिंग, और आफ्टर बेंडिंग, यार ये पेंसिल का कलर कोई और होता ना ज्यादा अच्छा रहता। चलिए पेन लेते हैं। चलिए ये देखो, तो ये मैंने पहले एक्सी डेप्थ पे, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे पकड़ लिया, ठीक है, ये रहा एक्सी डेप्थ। तो इसको जब मैंने ऐसे रोटेट किया, तो अब ये पहले बिफोर बेंडिंग और ये आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। तो ये कुछ डिग्री से ऐसे रोटेट हुआ, और दोनों में साइमल्टेनियसली मैक्सिमम स्ट्रेसेस अचीव हो गई, कॉन्क्रीट में भी और स्टील में भी, जब ये रोटेट हुआ at critical depth of neutral axis when it reaches 20. अब जो हमारा actual depth of neutral axis है, वो critical depth of neutral axis से क्या कम है, under reinforced section में। तो ये कहाँ पे मैंने suppose यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि ये कम है depth, तो इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ने के बाद जब मैंने rotate किया, तो आप देखो ये कम होने के कारण यहां से डिस्टेंस इंक्रीज हो गई स्टील की, स्टील का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो जब हम थोड़ा सा भी टिल्ट होगा, देन डिग्री ऑफ इंक्रीज इन स्टील, ये जो इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस इंक्रीज होने से, बिकॉज स्ट्रेन्स आर डायरेक्टली लीनियरली इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। और जो कंक्रीट में जो स्ट्रेन्स आएंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट के थोड़ी और पास आ गई। आप देखो ना, मैं इसको जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूँ, कंक्रीट तो बहुत थोड़ा 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 आगे जा रहा है, और ये स्टील कितना आगे जा रहा है, ये पॉइंट है ना, समझ में आ रहा है आपको? ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा, बताइए अभिषेक। स्ट्रेन्स स्टील में ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं, और अगर ये पॉइंट में, अगर ये एक्सी है, ठीक है, अगर ये एक्सी है, और अगर मैं इसके थोड़ा सा नीचे पकड़ लूं, ठीक है, और अब अगर मैं रोटेट करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि कंक्रीट में स्ट्रेन्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं स्टील के कंपेरिजन में। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा कॉन्क्रीट में ज्यादा पहले पहुंच जाएगा स्टील के कंपेरिजन में, बताइए समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में क्या है,
मारो जो अंडर इन्फो सेक्शन में क्या है, जो एक्से की वैल्यू है इट इज लेस देन एक्सी, सो द रेट ऑफ इंक्रीज इन टी ए विल बी मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन सी ए, ठीक है। और जैसे ही ये 20 पहुंचेगा, ये 20 पहुंचेगा बिकॉज इट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस, सी ए विल नॉट अचीव इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इंस्टेड टी ए विल अचीव इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सो एट इन थर्ड केस ये हमारा सी ए 3 हो जाएगा, और जो स्टील में होगा स्टील विल रीच इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा एस टी बाय एम, एंड एट दिस पॉइंट स्टील विल रीच इट्स फेलियर स्ट्रेस। समझ में आ गया आपको? अवनीत समझ में आ गया? नाउ दिस वैल्यू एट विच द सेक्शन रीचेज इट्स फेलियर स्ट्रेंथ इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस वैल्यू इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। MR, ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू एट विच ईदर स्टील और कॉन्क्रीट और बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली रीच द स्ट्रेंथ रीच द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑफ इटसेल्फ इट दैट मूवमेंट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब स्टील में सिग्मा एस टी स्ट्रेस आ गया तो ये सेक्शन एक्चुअल में फेल कर जाएगा क्या? बताओ। नहीं अभिषेक, ये जो मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाई है ये पहले जो वर्टिकल लाइन है दिस इज बिफोर बेंडिंग एट विच द एलिमेंट्स आर अनस्ट्रेस्ड दैट इज द स्ट्रेस इज जीरो, एंड आफ्टर बेंडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर बिकॉज द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो लीनियर। हमने ये यहाँ पे ये जो ग्राफ्स बनाए थे ये देखो, ये हमने जो ग्राफ्स बनाए थे स्ट्रेट लाइन में डील कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी जैसे जैसे स्ट्रेन्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेसेस भी लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको ये कंप्लीट डायग्राम भी बना सकते हो, वैसे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रही है ना, तो ये देखो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, आपको फटाफट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये टेंशन साइड में हमने रिइंफोर्समेंट स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम
Now plain section remains plain, right? So before bending, it will be a straight line. And after bending, it will be a So this is the strain diagram having maximum strain at the compressed flex fiber as epsilon c and maximum strain in the tension fiber as epsilon t. And corresponding stress diagram will be somewhat like this. This is the compressive stresses, that is CA. We are drawing the stress diagram in terms of concrete. So the concrete in the tension zone will be neglected. So the stresses in concrete will also be neglected, and there will be only a tensile stress at the place of steel, which will be equivalent to Ta by M. Having the stress equivalent to Ta by M, now this is the stress diagram in terms of concrete. So as the strains are increasing, the stresses are also increasing. Now this for given strain, for example for epsilon c strain, we can go to the graph in concrete for epsilon c strain. We can see what is the stress for epsilon c strain, which will come out to be Ca. So this is the value CA, this CA value, okay. And similarly for epsilon T strain in steel, at place of steel we will calculate this strain. This is the strain at steel, epsilon S, let us say epsilon ST, okay. And for epsilon ST steel, we will check, we will see for epsilon ST steel, okay, for epsilon ST steel we will get a stress value of sigma ST, or sorry, TA. We will get TA value from here. And when we are drawing the stress diagram in terms of concrete, it will be, the stresses will be converted in terms of concrete only, so it will be TA by M over here. So is it clear? समझ में आ गया? अभी आपको कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे अभिषेक? अभी ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं आएगा ना कभी जिंदगी में? बताइए अभिषेक, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलिए ठीक है।
चलिए अब तो क्या हुआ, स्टील में स्टील हैज रीच्ड इट्स फेलियर स्ट्रेस। ओके, अब ये बताओ मुझे कि ये जो सिग्मा एसटी जब पहुंच जाएगा तो सेक्शन फेल कर जाएगा क्या एक्चुअल में सेक्शन फेल कर जाएगा क्या सिग्मा एसटी पे पहुंचते साथ। विल द सेक्शन फेल व्हेन द स्ट्रेसेस इन द स्टील हैज रीच्ड सिग्मा एसटी। एक्चुअल इन प्रैक्टिस टेल मी। यस, इट वॉन्ट फेल इन एक्चुअल बिकॉज सिग्मा एस टी जब स्ट्रेस पहुंचा है देन द मटीरियल हैज यूटिलाइज्ड ओनली दिस मच ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, द मटीरियल हैज रियलाइज्ड ओनली दिस मच ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। मेजोरिटी ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इज स्टिल नॉट रियलाइज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। इतनी स्ट्रेंथ तो हमने कंसीडर की ही नहीं है डिजाइनिंग में। अगर इससे भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे ना तो स्टील तो आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टील को। ठीक है, स्टील में हमें अगर स्ट्रेस मिलने लगे तो हमें एक डिफॉर्मेशन के टर्म्स में एक इंडिकेशन मिल जाएगी बिफोर एक्चुअल फेलियर, बट द स्ट्रक्चर विल नॉट फेल। अब इसके बियॉन्ड भी अगर हम सपोज करो, इसके बियॉन्ड भी हम लेके जाते हैं स्ट्रेसेस को। ठीक है, सपोज मैं 30 तक ले गया, 30 किलोन्यूटन मीटर पर तक ले गया। ठीक है, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये और पहुंच गया, ये सिग्मा एसटी से और चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये पहुंच गया CA4 पहुंच गया, और 30 से भी मैं 40 तक ले गया। 40 पे जाके क्या हुआ, ये तो स्टील तो और इलोंगेट कर जाएगा बट स्ट्रक्चर पूरा फेलियर नहीं होगा। स्ट्रक्चर का अभी भी फेलियर नहीं हुआ, वो बस डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और अगर ये इसमें जो कंक्रीट में जो स्ट्रेसिस है सिग्मा CBC पहुंच गए, इफ इट हैज रीच सिग्मा CBC इफ इन कंक्रीट एट दिस पॉइंट, बिकॉज कंक्रीट में क्या है ना, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत वेरिएबल स्ट्रेंथ होती है, देयर इज नॉट सिंगल डिफाइंड वैल्यू ऑफ। वी हैव सीन व्हाट वी द वैल्यू दैट वी टेक इज 5% कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 5 परसेंटाइल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वी टेक फॉर द डिजाइनिंग। सो इन कंक्रीट वी डो नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द स्ट्रेंथ। वी से इफ इट रीचेस सिग्मा CBC द सेक्शन विल फेल, एक्चुअली इट विल फेल। वी अज्यूम दिस। For steel, we know we will get deformations, but the structure will still withstand the loads. But if the concrete reaches sigma CBC, the structure will fail ultimately. Okay. So if after increasing to 40 kilonewton per meter, the load has increased up to sigma CBC, now the failure of the section will be due to the compression failure of concrete. And the compression failure of the concrete is what? Abrupt failure. जब compression में जब हमने suppose करो, अगर हमने compression testing machine में concrete block जब test करते हैं तो failure कैसा होता है, एकदम से पूरा crack आ जाता है ना, एकदम से block fail कर जाता है ना। बट वही अगर हम steel को tension test देते हैं, उसमें उसमें क्या है, वो ductility देता रहता है, देता रहता है, वो stresses लेता रहता है up to failure, it keeps on giving deformations. तो कंक्रीट में क्या हो गया, कंक्रीट का फेलियर तो एकदम से अब्रप्ट फेलियर हो गया। अगर कंक्रीट ने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रीच कर ली तो हम जो हमारे छत पे जो भी छत में सेक्शन बना हुआ वो एकदम से ही टूट पड़ेगा। बट अगर स्टील ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ से स्ट्रेसेस रीच कर ली तो वो डिफॉर्म करता रहेगा,
उसमें वो पूरा गिरेगा नहीं, इट वॉन्ट कोलैप्स बट इट विल गिव एक्सेसिव डिफॉर्मेशन. तो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में किस टाइप का फेलियर मिल रहा हमें? डक्टाइल फेलियर होगा इसमें, राइट? वेरी गुड. तो आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए. पर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में डक्टाइल फेलियर होगा, क्योंकि हमें इंडिकेशन मिल जाएगी सेक्शन में कि ये सर डिफॉर्म बहुत ज्यादा कर रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन सर बहुत ज्यादा आ रही है, ये सेक्शन चेक करने की जरूरत है. दिस सेक्शन नीड टू बी मॉनिटर्ड इफ वी सी एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस. बट जो अल्टीमेट फेलियर होगा वो कैसा फेलियर होगा? वो होगा कॉम्प्रेसिव फेलियर. ठीक है, अगर आपको कभी पूछे व्हाट टाइप ऑफ द फेलियर दैट यू विल ऑब्जर्व इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, व्हाट टाइप ऑफ अल्टीमेट फेलियर यू विल, द अल्टीमेट फेलियर विल बी ओनली ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव फेलियर ऑफ कॉन्क्रीट. क्लियर है? अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में जो फेलियर गवर्न करेगा डिजाइन वो तो डक्टाइल फेलियर है, बट जो भी सेक्शन होगा रिइंफोर्स सेक्शन होगा उसका अल्टीमेट फेलियर will be because of the compression failure only. ठीक है, तो ये draw मत करना, ये बाद वाली बातें. ठीक है, ये बस आपके concepts के लिए थी. चलिए तो लिख लो इसको फटाफट. आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है कि कल कंटिन्यू करनी है आगे का? बताइए. At failure, steel fails. That is a ductile failure. So this type of the failure is recommended. Okay, because we are getting indication in terms of deformation before actual failure. ठीक है? At movement of resistance CA will be less than sigma CBC. Movement of resistance is what? Now in this case steel has reached, in this case steel has reached its maximum design strength. Okay, so CA will be less than sigma CBC and TA by M will be equal to sigma ST by M. So which implies TA will be equal to sigma ST. So what is CA? CA is the actual stresses in concrete. So, properties of under reinforced section stress values increases in steel at faster rate as compared to concrete. Steel gets its maximum permissible
stress before concrete or such sections are always preferred for design as you are getting indication. As we are getting indication in terms of excessive deformation before actual failure. ठीक है, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अंडर ओवर इन्फो सेक्शन. ओवर इन्फो सेक्शन और बैलेंस सेक्शन तो पढ़ के आना आप भी. What is over info section और balance section, और हो सके तो movement of resistance के बारे में पढ़ के आना. What is movement of resistance? ठीक है, हम कल इन तीनों topics पे discussion करेंगे. तो ठीक है, आज की class कैसी लगी आपको? कैसी लगी आज की class? थोड़े बहुत feedback दे दो यार, मैं भी थोड़ा बहुत improve कर लूँगा यार. बताइए कैसी लगी आपको आज की क्लास? कोई कोई मतलब कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? कुछ प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो सब्जेक्ट को? तो प्रैक्टिकली कैसे होती होगी चीजें? प्रैक्टिकली जब डिजाइनिंग में जाते हो आप तो यही चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स थोड़े ना चेंज हो जाते हैं, इसको अप्लाई तो करना है. तो बता देना अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत महसूस होती है ना, तो मुझे फील फ्री टू टेल मी एनी टाइम. ओके, तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं फिर. हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.